कि पेपर कैसा रहा? तो ऑन एन एवरेज पहले तो एक रैंक दो पेपर को, इजी एवरेज डिफिकल्ट में। एवरेज रहा। एग्जाम कैसा था? तो कैसा था, लेंदी था या कैसा था? एग्जाम लेंदी था बट कैसा था, तो लेंदी था। कैसा था पेपर? मतलब पेपर ऐसा नहीं था कि कुछ आता नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे देखे थे। उसका पेपर कैसा रहा? तो कैसा रहा पेपर? एडवांस डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो था, मतलब बी पार्ट। हाँ पूरा, मतलब एस एक्सपेक्टेड। बच्चों के कैसा था ऑन एन एवरेज पेपर बताओ, इजी एवरेज या डिफिकल्ट? एवरेज था, डिफिकल्ट था। हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट का आज पहला एग्जाम है एडवांस अकाउंट्स का, तो हम जा रहे हैं बच्चों के सेंटर। अभी रास्ते में डिसाइड करेंगे कौन से वाले सेंटर जाएंगे। एक कस्तूरबा है हमारे पास, एक लोधी रोड है, एक दो सेंटर और अभी चेक करते हैं किस पे जाना है। तो मिलते हैं आपको, बच्चों से पूछेंगे आज का एग्जाम कैसा रहा। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर 1.5 डेज की स्ट्रेटजी वीडियो, रिविजन वीडियो सब चैनल पर अपलोड हो चुकी होंगी, तो उन्हें भी जाके पक्का चेक। फाइनली डिसाइड किया था हम आएंगे यहाँ पर, कौन सा वाला स्कूल है, खालसा स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी खालसा स्कूल लाजपत नगर में। तो उसमें हम आए हैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करने, तो हमारे पीछे स्कूल है, अभी बच्चे निकलेंगे। तो आपका सर निष्ठा, निष्ठा से पूछते हैं आज का एग्जाम कैसा था। तो कैसा था, लेंदी था या कैसा था? एग्जाम लेंदी था बट ठीक था, लाइक ठीक था। हाँ, पास होने लायक था पेपर? पास होने से लाइक ज्यादा अच्छा था, उससे उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं अच्छा था पेपर, मतलब एग्जामिनेशन का भी आ सकता है। एमसीक्यू कैसे लगे आपको? मेरे हिसाब से मैं एमसीक्यू में थोड़ा लटखड़ा गई, बट एमसीक्यू भी लेवल के थे, लेवल के थे। कैश फ्लो का था बच्चों ने जैसा बताया, कैश फ्लो से ज्यादा का था, मतलब चैप्टर से ज्यादा था, एएस से कम था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एएस से एमसीक्यू ज्यादा आएगा, लेकिन चैप्टर से ज्यादा था। उसके लिए फुल फ्लेज सॉल्व करना ही पड़ेगा उसको। और एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में कैसा था? डिस्क्रिप्टिव अच्छा था, अच्छा था, सही क्वेश्चन आए थे, ठीक ठाक क्वेश्चन, सारा अटेम्प्ट कर ले तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्या लग रहा है, 40-50 प्लस हो जाएंगे इस वाले में? 50 प्लस आने चाहिए, आने चाहिए। चलो थैंक यू सर। मेरा नाम अर्चना है। अर्चना से पूछते हैं कि पेपर कैसा रहा? तो ऑन एन एवरेज पहले तो एक रैंक दो पेपर को, इजी एवरेज डिफिकल्ट में। एवरेज रहा, एवरेज रहा। और लेंथ, लेंथ लेंथ मैनेजेबल था, मैनेज था। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अच्छा था, बट जो एमसीक्यू था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बच्चों ने बताया था कैश फ्लो से ज्यादा क्वेश्चन थे, डिस्क्रिप्टिव में भी थे और एमसीक्यू में भी। कैश फ्लो अलग से भी क्वेश्चन आया था और एमसीक्यू भी पूछा गया था। अच्छा अच्छा, तो और बाकी जो एएस वगैरह वाला पार्ट था वो कैसा? एएस में नए क्वेश्चन दिखे या पहले जैसे क्वेश्चन? नहीं, नए नए इस बार क्वेश्चन भी, नए क्वेश्चन भी आए थे। तो क्या लगता है कि 50 वाला पेपर था, 60 वाला, 40 वाला, अगर ऐसे एवरेज किया जाए तो? नहीं, एवरेज अगर डिस्क्रिप्टिव अच्छा जिसका गया हो तो वो निकाल देगा आराम से। अब बच्चों ने बताया कंसोलिडेटेड का क्वेश्चन आया था जिसमें तीन कंपनी थी। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन स्टडी मेट में था? हाँ, नहीं नहीं ऐसा कोई, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का आया था वो? शायद 14 मार्क्स का था। हाँ, तो एक नया क्वेश्चन भी आ गया 14 मार्क्स का, तो वो एकदम सरप्राइज कर गया। स्टार्टिंग में तो अटेम्प्ट नहीं किया उसमें? नहीं, वो मैं सबसे लास्ट में की, इवन वो मैं उसको छोड़ दी ऑप्शनल में। और दूसरा क्वेश्चन की मैं। सर राहुल शर्मा, राहुल शर्मा जी से पूछते पेपर कैसा था। तो लेंदी था, कैसा था पेपर? मतलब पेपर ऐसा नहीं था कि कुछ आता नहीं, सारे क्वेश्चन ऐसे देखे दिखाए थे, लग रहे थे देखे दिखाए। और जब सॉल्व करने बैठे तो एडजस्टमेंट नहीं मिली या पुरानी मिली? मतलब कुछ कुछ मिल गए, कुछ न्यू ज्यादा, जैसे इस बार कंसोलिडेट में तीन नई एडजस्टमेंट, मतलब तीन कंपनी का दे दिया, हमेशा हम दो कर देते। अच्छा, स्टडी मेड में है कोई तीन कंपनी का क्वेश्चन? आई गेस मैंने देखा नहीं, नहीं देखा है, लेकिन नया पॉइंट आ गया। और एमसीक्यू कैसे थे? एमसीक्यू कैसे थे? एमसीक्यू भी मतलब ऐसे थे कि आप पूरा लाइन से सॉल्व करते जाओ, कुछ नहीं होता, बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो उसका सॉल्व कर दोगे आप एमसीक्यू। देखो बेनिफिट इसमें ये है कि आप केस स्टडी बेस से सॉल्व करो, क्योंकि वो जो सिंगल सिंगल एमसीक्यू है ना वो मुश्किल होता है, वो उसमें आपको पता चल जाता है क्योंकि इसी में आंसर है। केस बेस स्टडी करोगे तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। तो ऑन एन एवरेज अगर रैंक देनी होगी 40-50 या 60, कितने तक बच्चों का आना चाहिए, मतलब नंबर कितने मार्क्स आने चाहिए? तो देखो ऑन एन एवरेज कैसा था पेपर? मैंने तो पूरा नहीं किया है, मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए। अच्छा, बट अगर जिसने स्पीड अच्छी है, मेरी स्पीड एक्सपीरियंस लो है। अच्छा। तो स्पीड जिसकी अच्छी है वो पूरा पेपर कर सकता था, इतना हार्ड भी नहीं था इस बार। चलो पास होने लायक था पेपर, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट। चलो थैंक यू। मिले हम एडवांस अकाउंट्स का पेपर कैसा रहा? तो कैसा रहा पेपर एडवांस? डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो था, मतलब बी पार्ट। हाँ पूरा, मतलब एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा ही आएगा, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, मतलब बहुत सारे रिपीटेड एडजस्टमेंट्स आए थे जो पहले किए हुए थे। मतलब स्टडी मैट ही था वो पूरा, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट था जिसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी थी। एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यू मैंने सोचा था कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट इतना अच्छा है, तो मतलब एमसीक्यू जब मैंने खोला पहला, मतलब क्वेश्चन ही पूरा कैश फ्लो का था। अच्छा, सॉल्व करके तभी तुम कर पाओगे, मतलब पूरा फुल फ्लेज कैश फ्लो करके पूरा। तो उसमें मेरे को पूरा कैश फ्लो का था या कुछ और भी था उसमें? नहीं, कैश फ्लो भी था उसमें, बोरोइंग एक क्वेश्चन था जिसमें इन्वेंटरी और बोरोइंग कॉस्ट दोनों मिला के था। उसमें भी टाइम लगा था, मतलब इस बार का मतलब
लेंदी था और जो तो क्या लग रहा है मतलब 40-50-60 नंबर वाला है डिस्क्रिप्टिव तुम्हारा ये हो जाएगा निकल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, लॉ की तैयारी करो। ये हमारे शेर हैं, हो गया भाई स्टार्ट। तो ये पुष्कर हैं, पुष्कर जी से पूछते कैसा गया पेपर। नमस्ते सर। मुश्किल आया था, आसान आया था, कैसा आया था? सच बोले तो बनाया गया, टेक्निकल था लेकिन ठीक ही था भाई। ICCA का पेपर है, आसान तो होने वाला है नहीं, पहली चीज तो। फिर डिस्क्रिप्टिव आसान लगा, MCQ आसान लगा, कैसा लगा? मुझे MCQ आसान लगा। MCQ ज्यादा आसान लगा उन्हें, किसी को MCQ मुश्किल लग रहे हैं, किसी को आसान लग रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में थोड़ा उन्होंने घुमाने की कोशिश की थी लेकिन वो सही हुआ। AS आए थे, कम आए थे, ज्यादा आए थे? ठीक था। क्या लग रहा, पास होने लायक पेपर है या नहीं है? एग्जेम्पशन वाली है। अरे भाई साहब, तो एग्जेम्पशन वाला पेपर बता। क्या नाम है आपका? तबीयत खराब हो गई। आपको क्या नाम है? प्राची। आपको क्या नाम है? स्वाति। थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो ऑन एन एवरेज पेपर कैसा था, मतलब इजी, एवरेज, डिफिकल्ट? पेपर अच्छा था, डिफिकल्ट भी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि पढ़ने, जिसने पढ़ा था उससे वो कर सकता है। सरप्राइज वाला पेपर नहीं था। MCQs कैसे थे? ठीक थे। पास होने लायक है पेपर या नहीं है, अगर किसी ने तैयारी की है तो? अच्छे से किसी ने तैयारी की है तो हो जाएगा। मुझे मेरा नहीं लग रहा है गड़बड़ वाला। क्यों? मैं लिख नहीं पा रही थी, मतलब मेरा BP 50 है तो लिख ही नहीं। तबीयत खराब हो गई मतलब आपकी? इतना टेंशन, टेंशन में हो गई, टेंशन ले लिया कि तबीयत खराब हो गई। उस मतलब इतनी टेंशन लायक पेपर था नहीं, ज्यादा हाइप बना दिया आपने, है ना? तो ये भी एक बात थोड़ा ध्यान में रखने की, पेपर नॉर्मल आता है, आप खुद ज्यादा मुश्किल मत बना लेना। डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैसा था? ठीक ठाक था। हो जाएगा। कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन किया आपने जिसमें 3 कंपनी का क्वेश्चन आया? नहीं किया। AS कैसे थे? AS ठीक थे, मतलब किए हुए थे, स्टडी मेट जैसे थे या बिल्कुल अलग पूछ लिए उन्होंने? नहीं, पूरा ऐसे ही लग रहा था कि RTP के जो भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे ना उसी से रिलेटेड, उसी से ही पेपर है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। क्या नाम है दोस्त आपका? राज। राज। सुकांतो। सुकांतो। विकास। विकास। तीनों ग्रुप से पूछते हैं, तीनों बच्चों के कैसा था ऑन एन एवरेज पेपर बताओ, इजी, एवरेज या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट नहीं था। अगर मतलब किसी बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो तो एग्जेम्पशन के चांसेस हैं इसमें, आराम से आ सकते हैं, 70 आ सकते हैं। MCQ पार्ट कैसा था? MCQ भी मतलब एवरेज था। तो जिसको कैश फ्लो आता होगा उसके MCQ ठीक गए होंगे अच्छे तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं, और जिसको नहीं आता होगा उसे गड़बड़ चले। सेक्शन बी कैसा था? सेक्शन बी कौन सा सेक्शन? मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो इजी था मतलब डूएबल था, डूएबल। तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसने सरप्राइज किया कि वो तो आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गया, मतलब पता ही नहीं चला? मुझे तो कंसोलिडेशन का लगा जिसमें 3 कंपनी का क्वेश्चन आया था। मेजोरिटी बच्चे ही बोल रहे हैं कि ऐसा कोई स्टडी मैट में क्वेश्चन नहीं है कहीं, RTP MTP कहीं भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है छोड़ने का। नहीं, अगर ऐसा है तो आप छोड़ सकते हो, क्वेश्चन ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शनल में वही कंसोलिडेशन वाला ही छोड़ा था, कंसोलिडेशन वाला ही सही है। तो नया अगर आपने नहीं आता तो उसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, तो आ सकते हैं, मतलब 60+ नंबर आ सकते हैं। आपका कैसा गया मतलब, आप बताओ? अच्छा गया, आ सकते हैं 60+ आ सकते हैं, बहुत बढ़िया, पास तो हो जाऊंगा। पास हो जाओगे, चलो। ये पहला वाला पेपर कई बार ऐसा बना देते हैं कि बच्चा वहीं छोड़ देता है अटेम्प्ट को, ऐसा नहीं था इस बार, है ना? आपको क्या लग रहा है? अच्छा, बढ़िया था क्या? बढ़िया लग रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।